इलाज का जो पहला नियम होता है वो ये होता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो तो बिल्कुल नॉर्मल है उसको मां से अलग कर दिया जाए ये सुनने में ही बड़ा भयानक लगता है कि इसमें पाँच परसेंट सुड का रिस्क रहता है और चार परसेंट इन्फेंटिसाइड का रिस्क रहता है मतलब खुद की जान ले लेना सुसाइड और इन्फेंटिसाइड मतलब बच्चे की जान ले लेना ये तो इसके ट्रीटमेंट में जो है साइकैट्रिक का रोल जो है वो मेजर रहेगा और मेडिसिन में एंटीसाइकोटिक्स का रोल जो है वो मेजर रहेगा नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही सीरियस टॉपिक की जिसका नाम है पोस्ट साइकोसिस मुझे आज भी याद है एक बार मैंने न्यूज़ देखी थी और मुझे काफ़ी दुख हुआ था वो न्यूज़ देख के उसमें यह दिखाया गया था कि एक मदर ने अपने पैदा होते ही अपने बच्चे की हत्या कर दी और ऐसा उसने दूसरी बार किया था उसके आस वालों ने बताया और मीडिया वाले बहुत ही गंदे ढंग से उसको पोर्ट्रे कर रहे थे क्योंकि वो एक्चुअली एज ए साइकैट्रिस्ट मैं डायग्नोसिस पक्का तो नहीं बना सकता कि काफ़ी चांसेस हैं कि उनको पोस्टमार्टम साइकोसिस रहा हो या हो सकता है उनको स्किजोफ्रेनिया की परेशानी भी हो सकती है उसी अलावा एक पोस्टमार्टम साइकोसिस का मैंने पुराना वीडियो भी शूट किया हुआ है तो उसको देखने के बाद एक फ़ीमेल ने मुझे एक बार कॉल किया और उन्होंने मुझसे शेयर किया कि जब उनका बच्चा पैदा हुआ था तब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी इसकी वजह से उन्होंने अपने ही बच्चे की हत्या कर दी तो वो काफ़ी परेशान और विचलित थी तो उन्होंने जब मुझसे बात की तो मैंने उनको समझाया कि इसमें आपकी गलती नहीं है अब तो आप बिल्कुल ठीक हैं आ, तब आपको पोस्टमार्टम साइकोसिस रहा होगा क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया उसके बाद अब ऐसी कोई समस्या नहीं है अगली बार अगर आप प्रेग्नेंट होंगी तो आप जो है अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर कर लीजिए और अपने नज़दीकी साइकैट्रिस्ट को दिखा लीजिएगा तो आप इस समस्या से दूर रह सकती हैं इसके बाद ये सिलसिला जो है वो एक दो महीने तक लगातार डेली बेसिस पे चलता रहा कि मैं उनको सांत्वना देता था और उसके बाद भी उनको तसल्ली नहीं होती थी तो मैंने उनको कहा कि अब आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट या साइकट्रिस्ट को दिखा लेना चाहिए इतनी दूर से मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा ये दोनों ही केसेस काफ़ी परेशान करने वाले थे और दो दिन पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ अपने क्लिनिक में कि एक फीमेल आई और उसके घर उनके घर वालों ने मेरे साथ शेयर किया कि ऑलमोस्ट हम नहीं होते तो इसने अपनी बेटी का गला दबा ही दिया था जो कि अभी दस दिन पहले ही पैदा हुई थी तो पहली बात जो मैंने उनको समझाई क्योंकि इलाज का जो पहला नियम होता है वो ये होता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो तो बिल्कुल नॉर्मल है उसको माँ से अलग कर दिया जाए ये सुनने में ही बड़ा भयानक लगता है बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज जो मदर है वो इस मानसिक स्थिति में होती ही नहीं है कि वो समझ पाए कि क्या सही है और क्या गलत क्योंकि साइकोसिस का तो मतलब ही ये होता है साइकोसिस में डिल्यूजन्स होती हैं हेलोसिनेशन होती हैं और डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होता है तो गलत बिहेवियर होगा जो आपके सामने मैंने आपको एग्जांपल देके भी बताया डिल्यूजन का मतलब होता है गलत सोच एक पक्की जो घर वालों के समझाने पर भी सामने वाला नहीं समझ पाता है और उसके बावजूद भी उसको लगता है कि उसकी सोच बिल्कुल सही है और उस पर कई बार एक्शन भी लेता है इसीलिए जो है इसमें देखा गया है कि इसमें पाँच पर्सेंट सुसाइड का रिस्क रहता है और चार परसेंट इन्फेंटिसाइड का रिस्क रहता है मतलब खुद की जान ले लेना सुसाइड और इन्फेंटिसाइड मतलब बच्चे की जान ले लेना वो क्यों होता है क्योंकि मदर को अजीब अजीब से डिलूजनस होती हैं उनको कई बार ऐसा लगता है मेरी शादी ही नहीं हुई है मैं तो वर्जिन हूँ और उसके बाद ये बच्चा मेरा ही नहीं है ये बच्चा किसी और का है और ये बच्चे को मैं मार दूँ या फिर ये बच्चा फ़िज़िकली या मेंटली उतना सही नहीं है तो बड़ा होने के बाद ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो मैं इसको आज़ाद कर दूँ इस तरह के अजीब व से थाट्स आते हैं और कई बार तो हेलोसिनेशन होती हैं कानों में आवाज़ें आती हैं कि इस बच्चे को मार दो तो इसलिए फर्स्ट मैनेजमेंट होगी मदर को सॉरी बेबी को मदर से अलग कर देना और अगर बेबी मदर के साथ रहेगा अभी तो कोई ना कोई रहेगा जो मदर की सुपरवाइज करेगा कि कहीं वो उस तरह की गलत हरकत ना करे और अगर आप प्रैक्टिकली मुझसे पूछें तो पेशेंट की ऐसी हालत होती ही नहीं है कि कोई वो बच्चे को संभाल पाए तो ऐसा कोई क्रूरता है नहीं जितनी सुनने पे लग रही होगी तो मदर की एक बार तबीयत ठीक हो जाएगी दो चार हफ्ते में उसके बाद मदर ही संभालना है पूरी ज़िंदगी और तो वो अपना रोल सारा का सारा निभा सकती हैं तो पोस्टमार्टम साइकोसिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होता तो ये हज़ार डिलीवरीज में से एक या दो में है इसका मतलब अगर हज़ार बच्चे पैदा होते हैं तो सिर्फ़ एक या दो माताओं में ऐसा होगा पर जिनको ऐसा होगा 50 परसेंट चांसेज़ हैं कि अगली प्रेगनेंसी में भी ऐसा होगा इसका मतलब घर वालों को ये समझाना उनके गायना कॉलेजिज से ऑब्सिटेशन को ये बताना अच्छा ऑब्सिटेशन को आइडिया होता है इन चीज़ों का क्योंकि मेरे पास एक बार एक पेशेंट आई थी उन्होंने बच्चा डिलीवरी के बाद पिछली बार जो उनका नर्सिंग होम था उसमें कुछ तोड़ फोड़ कर दी इधर उधर भागा दौड़ी की उन्होंने जिसकी वजह से जो वो ऑब्सिटेशन थी वो काफ़ी डर गई जो गायना थी उनकी और इस बार तो अभी वो सातवें महीने से ही प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने ऑलरेडी रेफ़र कर दिया था कि पहले आप एक साइकैट्रिस्ट को दिखा के आओ तो मैंने उनको कहा कि अभी तो कोई बात नहीं है बट डेफिनेटली जब आपकी डिलीवरी होगी उस टाइम आपको अंडर सुपरविजन रहना चाहिए कि दोबारा पोस्टमार्टम साइकोसिस ना हो और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनको आने वाले समय में भी बार बार डिप्रेशन हो सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में एक तनाव की स्थिति है कई फीमेल्स जो होती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उनको पहली बार थारयड होता है पहली बार शुगर होती है पहली बार ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है उसी तरह इस तरह के इमोशनल सिम्टम्स भी पेशेंट को आ सकते हैं तो आने वाले टाइम में उनको थायरॉयड भी हो सकता है शुगर भी हो सकता है ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। एक को सब कुछ नहीं होगा बट किसी को कुछ होता है किसी को कुछ होता है उसी तरह अगर किसी को कोई मानसिक परेशानी आई है तो एज ए साइकाट्रिस्ट ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम फैमिली मेम्बर्स को समझाएँ कि ये दोबारा भी हो सकता है इसका ख़ास ख्याल रखा जाए तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो पोस्टमार्टम साइकोसिस सबसे गंभीर समस्या है प्रेगनेंसी के बाद होने वाली ये हज़ार में से एक या दो फीमेल्स को होगी जो बच्चा डिलीवर करेंगी इसके कारण जो है हार्मोनल हो सकते हैं फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है अगर किसी को जेनेटिकली पहले से कोई प्रॉब्लम रही हो या पास हिस्ट्री भी हो सकती है किसी और या आने वाले टाइम में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो इसके ट्रीटमेंट में जो है साइकैट्रिस का रोल जो है वो मेजर रहेगा और मेडिसिन में एंटीसाइकोटिक्स का रोल जो है वो मेजर रहेगा और आने वाले टाइम में साइको एजुकेशन का रोल तो बहुत ही ज़्यादा रहेगा क्योंकि बाद बाद में पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है या सिर्फ रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन भी हो सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी से आप लोगों की मदद हो पाए धन्यवाद